जा रहे थे अपनी मम्मी के साथ बाजार सामान लाने, तो उसने जब आगे थी मैं पीछे थी, उसने जैसे पानी में रख धरा उसको कलर लग गया, तो उसने उधरी पे गिर पड़ी, तो मैं मुझे जैसे लगा तो मैंने भाग पड़ी। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं लालू मशेख पब्लिक चैनल से। दोस्तों आज मैं खड़ा हूँ शील फाटा पे। यहाँ पर नेता कंपाउंड जो है, ये जैसे कि ये एरिया जो आप सामने देख सकते हो, ये नेता कंपाउंड है। और यहाँ पर जो है सुबह में 8:30 बजे एक हादसा हुआ है। एक औरत अपने बच्चे, दो बच्चों के साथ जो है, एक लड़की थी और एक लड़का था गोद में, उसके साथ जो है जा रही थी कुछ बाजार खरीदने के लिए। और जैसे कि ये पोल जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये पोल देखिए, इस पोल के पास से जो है यहाँ पे एक वायर कटा हुआ है जो बहुत बड़ा, मतलब करंट वो पूरा पानी के अंदर था। और उस पानी के अंदर आने से जो है उस महिला की जो है तुरंत जगह पे ही मौत हो गई। वो पानी के अंदर गिरी और उसको कोई बचा नहीं सका। लेकिन जब बच्चों की रोने की आवाज़ और बच्चों के, मतलब ये चिल्लाने की आवाज़ आई, तो कुछ लोग वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लोग आए और उन लोगों ने मतलब वहाँ पर उन बच्चों को बचाया है। और ये बहुत खुशनसीबी है कि दोनों बच्चों को कुछ नहीं हुआ है। इसी तरीके से मतलब यहाँ पर जो है इतनी टोरेंट कंपनी जो इतनी लापरवाही से, मतलब मुमरा कौसा में आज इनको देखा जाए तो बिल सबके घरों में जो 6,000 बिल था उनको 12,000 भेज रहे, जो 4,000 बिल था उनको 10,000 भेज रहे। इस तरीके से टोरेंट कंपनी खाली बिल का एक भंडार लगा रही है। लेकिन ऐसी लापरवाही कब तक टोरेंट कंपनी करते रहेगी, जो एक पे एक हादसे होते रहेंगे। आइए देखिए यहाँ के जो नगर सेवक है उन्होंने क्या कहा, करीम खान ने क्या कहा इस मुद्दे के ऊपर। और दूसरी चीज है, ये मैं आपको बता दूं कि इस मुद्दे के ऊपर जो है अब राजनीतिक भी कहीं ना कहीं जो है जो लोग हैं वो लोग उनका साथ दे रहे हैं, उस गरीब परिवार का साथ दे रहे हैं, उनको उनका मुआवजा दिया जाए। और ये कटोरन कंपनी के ऊपर ये न्यूज़ के जरिए से बताना चाहता हूँ कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सर लापरवाही है रफीक भाई है। पहले एक हमें सीडीसीएल सत्ता के रखी थी और अब एक बहुत अच्छी कंपनी आ गई है जो बड़े बड़े वादे कर रही है टोरेंट, जो हमेशा लाइट देंगे, हमेशा पावर देंगे, सब ठीक करेंगे, इंफ्रा ठीक करेंगे। ये इन्फ्रा इनका ठीक हुआ है पिछले 3 महीने में, ये इन्फ्रा इनका ठीक हुआ। आप हालात देख सकते हैं, एक जवान औरत वो तो बच गए, दोनों बच्चे गोद में थे, बच्चों तो उसको तो करंट लगा तो दूर जाकर के गिरे, बच गए बेचारे दोनों बच्चे। जवान औरत 26 साल की औरत मर गई इसी पानी के अंदर, इसी करंट के अंदर। ये इनकी लापरवाही है रफीक भाई। सरासर मेरा तो मानना ये है कि 100% इनकी लापरवाही। ये सुबह का ये वाकया रफीक भाई, 8:30 बजे का वाकया, पुलिस ने अपनी कार्रवाई, अपने कागजी कार्रवाई पूरी कर दी है। बॉडी हॉस्पिटल पुलिस ने खुद पहुंचा दी, पोस्टमार्टम हो गया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई कि मौत, इसकी जो डेथ हुई है वो इलेक्ट्रिक शॉक लगने के कारण हुई है। अच्छा। पुलिस ने अपना काम कर दिया। अगर इस गरीब परिवार को न्याय मिलता है तो ठीक, वरना मैं अपने लेटर हेड के ऊपर, उत्तर भारतीय संघ के ऊपर लेकर के ये परिवार, गरीब परिवार को न्याय दिलाने में मैं कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ूंगा, कोई भी मेहनत खाली नहीं। 100% उनका मामला दर्ज होना चाहिए। अगर उनकी लापरवाही है, उनकी लापरवाही की वजह से इनकी मौत हुई है, तो 100% इन पे FIR होना चाहिए। और FIR नहीं होता है, हम ACP DCP ऊपर तक जाएंगे। मैं जा रहे थे अपनी मम्मी के साथ बाजार सामान लाने, तो उसने जब आगे थी मैं पीछे थी, उसने जैसे पानी में रख धरा उसको कलर लग गया, तो उसने उधरी पे गिर पड़ी, तो मैं मुझे जैसे लगा तो मैंने भाग पड़ी। एक ऐसे बचा, एक अंकल ने इसको निकाला, तो मैंने इसका हाथ ऐसे ऐसे रगड़ा, गोड़ ओढ़ इसको होश आ गया। कैसे उछला? मेरी गिर गया था। अच्छा, पानी के पास गिर गया था, फिर एक अंकल ने बचा लिया उसको। ठीक है इरफान भाई, देंगे साथ देंगे। अच्छा, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम बॉडी दफनाएंगे भी नहीं। जी सुबह को 10:30-11 बजे मुझे मालूम पड़ा जी, तो ऑफिस में कुछ लोग आए और बैठे थे, बॉडी तो जा चुकी थी, पुलिस भेज दी थी शिवाजी हॉस्पिटल में, तो रिपोर्ट का इंतजार था, रिपोर्ट तो आ गया है, अभी इलेक्ट्रिक शॉर्ट से ही डेथ हो गया जी, कॉज ऑफ डेथ वही आया है उसमें। हाँ। तो इंशाल्लाह हम लोग लगे हुए हैं, जो भी उनका मुआवजा वगैरह जो भी है लगे हुए हैं, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देखो उनकी लापरवाही है। हाँ। ये सब जो हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए और मुआवजा भी उनका होना मिलना चाहिए। ठीक, इसमें आप पूरी तरीके से भूमिका अदा करें। जी जी इंशाल्लाह। ठीक, मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।